इंडिया से टूरिस्ट वीज़ा पर दुबई गए 6 लोगों को बंधक बना लिया गया है। सभी लोग टूरिस्ट वीज़ा पर काम करने के लिए गए थे। एजेंट ने उन सभी 6 लोगों को टूरिस्ट वीज़ा दिया था और बोले थे जब वहां पर पहुंचोगे तो टूरिस्ट वीज़ा को एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उन सभी 6 लोगों को मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में भेजा। उन सभी लोगों से 1,10,000 करके 6 लोगों से पैसा भी लिया और उन लोगों के लिए दुबई की टिकट भी बुकिंग करा और टूरिस्ट वीज़ा दे दिया। जब वह लोग फरवरी 2024 में पहुंचे तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में लग गए और उसी कंपनी में रहना और वहीं पर खाना पीना सब उसी में उनका व्यवस्था कर दिया गया। जब सैलरी देने की बारी आई तो उन लोगों की सैलरी नहीं मिला। 1 महीने की सैलरी नहीं मिला, दूसरा भी नहीं मिला, तीसरा भी नहीं मिला। ऐसे करते करते 6 महीने की उन लोगों की सैलरी नहीं मिला। यहाँ तक कि उनके जाने के बाद में उन्हें घर वालों से भी कनेक्शन ख़त्म हो गया, क्योंकि उनके पास ना तो मोबाइल था और ना ही कोई संपर्क करने के लिए कोई सुविधा था, क्योंकि उनका मोबाइल भी जब्त कर लिया गया था और उन लोगों को बाहर भी नहीं निकलने दिया जा रहा था। उन लोगों ने जैसे तैसे 6 महीने बाद में घर वालों से संपर्क किए और पूरी कहानी बताई, जिसके बाद में उन लोगों के घर वालों ने उन एजेंटों के खिलाफ में पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाए। उन सभी की 6 महीने से सैलरी नहीं मिला है और वह मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अभी भी काम कर रहे हैं। उन सभी 6 लोगों ने गल्फ टेक्निकल इंस्टीट्यूट से ही गए थे। गल्फ टेक्निकल इंस्टीट्यूट नाम से दिल्ली में एक ऑफिस चला रहा था एजेंट, वहीं से वह सभी 6 लोग गए थे, लेकिन उनके जाने के बाद में ना तो उन्हें सैलरी मिल रही है और ना उन्हें पैसा मिल रहा है। अगर आपको विदेश जाना हो तो इन बातों का ख्याल जरूर रखें। सबसे पहले e-migrate पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि विदेश जाने वाले लोगों के लिए ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस वेबसाइट को लॉन्च किया है। विदेश में नौकरी से पहले एम्प्लॉयर के बारे में जानकारी रखें और अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर ही जाएं। e-migrate पोर्टल के कई सारे फायदे हैं, जैसे कि वहाँ पर आपका डेटा भी रहेगा। अगर विदेशों में आप फंसते हैं तो आपके डेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में रहेगा। यहाँ तक कि वहाँ e-migrate पोर्टल पर ही केवल रजिस्टर्ड एजेंट ही जुड़े हुए हैं, वहाँ से धोखाधड़ी का मामला नहीं होता है। अगर कोई भी धोखाधड़ी का मामला होगा तो 10,00,000 का बीमा भी मिलता है। इसीलिए सबसे पहले e-migrate पोर्टल पर विजिट करें और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन एजेंट को देखें और उसी के जरिए अपना एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मंगा करके और जा सकते हैं।